नमस्कार। अभी तक हमने दो यादृच्छिक चरों को देखा था। अब हमने यह देखा था कि दो यादृच्छिक चरों का बंटन किस प्रकार होता है, उनका घनत्व फलन किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है इत्यादि। अब हम दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में स्वतंत्रता की चर्चा करेंगे। दो यादृच्छिक चरों x एवं y को स्वतंत्र तब कहा जाता है जब प्रायिकता x यह है, जहां घटनाएं हैं एवं इनके संदर्भ में हम यादृच्छिक चरों x एवं y को स्वतंत्र कहते हैं। अर्थात अब a यह एक वैध घटना है, इसी प्रकार यह भी एक वैध घटना है। तत्स्वरूप हम लिख सकते हैं कि दो यादृच्छिक चर x एवं y स्वतंत्र होंगे जब उनका संयुक्त बंटन फलन उनके सीमांत बंटन फलनों के बराबर होगा। संयुक्त बंटन फलन और सीमांत बंटन फलन हम पिछले व्याख्यान में चर्चित कर चुके हैं, इनकी चर्चा पुनः नहीं करेंगे। यह तब है जब x एवं y स्वतंत्र हैं। अब क्योंकि x एवं y स्वतंत्र हैं, हम लिख सकते हैं तत्स्वरूप दो यादृच्छिक चर x एवं y स्वतंत्र हैं जब उनका संयुक्त बंटन अथवा घनत्व फलन उनके सीमांत बंटन अथवा घनत्व फलनों का गुणनफल दो यादृच्छिक चर x एवं y स्वतंत्र हैं जब उनका संयुक्त बंटन अथवा घनत्व फलन उनके सीमांत बंटन अथवा घनत्व फलनों का गुणाफल हो। यह गुण देखने में सरल है, किंतु हम दो यादृच्छिक चरों की स्वतंत्रता केवल इसी गुण द्वारा प्रमाणित अथवा अप्रमाणित कर सकते हैं। अब इसी पर आधारित एक प्रमेय, यदि यादृच्छिक चर x एवं y स्वतंत्र हैं तब
उनके द्वारा जनित, यादृच्छिक चर W बराबर जी एक्स एवं Z बराबर वाई, जहां जी एच वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर फलन है, भी स्वतंत्र है। उपपत्ति, मान लीजिए ए डब्ल्यू उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनके लिए जी एक्स डब्ल्यू से अधिक नहीं है। मान लीजिए ए डब्ल्यू उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनके लिए जी एक्स डब्ल्यू से अधिक नहीं है, एवं बी वाई उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनके लिए एच वाई या डब्ल्यू छोटा होगा सेट से अधिक नहीं, एवं बी वाई उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनके लिए एच वाई क्षमा कीजिएगा बी जेड उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनके लिए एच वाई जेड से बड़ा नहीं है। यह अब यह देखना सरल है प्रायिकता z से अधिक नहीं है बराबर है प्रायिकता एवं प्रायिकता w w से अधिक नहीं है बराबर है प्रायिकता x यह सरल है। अब क्योंकि x एवं y स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं फलस्वरूप W एवं Z का संयुक्त बंटन फलन, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर है प्रायिकता यह बराबर है प्रायिकता यह बराबर है यह जैसा कि हमने देखा था यह बराबर है अंततः यह बराबर है एफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ जेड जेड, अर्थात यह संयुक्त बंटन फलन इन सीमांत बंटन फलनों का गुणाफल है, अर्थात W एवं Z स्वतंत्र हैं जैसा कि हमने प्रमेय में कहा था। आगे बढ़ते हुए मान लीजिए कि यादृच्छिक चर
एक्स एक प्रतिदर्श समष्टि एस एक पर परिभाषित है एवं यादृच्छिक चर वाई एक अन्य प्रतिदर्श समष्टि एस दो पर परिभाषित है एक्स एस एक पर परिभाषित है एवं वाई एस दो पर परिभाषित है। अब यह मान लीजिए कि एस एक के अवयव जाई एक यह एक ग्रीक अक्षर जाई इसके विषय में हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। मान लीजिए कि ऐसे के अवयव जाई एक हैं अर्थात इन्हें हम यह कह सकते हैं कि यह हैं जाइए एक दो इस प्रकार ऐसे एक प्रतिदर्श समष्टि है जिसके अवयव यह सब हैं। क्योंकि यह जाइए एक दो यह अगणनीय रूप से असीमित भी हो सकते हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार संतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में हम असीमित अगणनीय रूप से असीमित की चर्चा करते हैं उसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यह जाई एक असीमित भी हो सकते हैं अर्थात हम इसे केवल जाई एक द्वारा प्रदर्शित करेंगे जाई एक तो यहाँ गणनीय परिणामों की चर्चा नहीं करेंगे अथवा इसके गणनीय अवयवों की चर्चा नहीं करेंगे केवल जाई एक हैं। इसी प्रकार एस दो के अवयव जाई दो हैं। अब संयुक्त परीक्षण एस एक एस दो समुच्चयों एस एक एवं एस दो के संदर्भ में हम इसे कार्टेशियन गुणाफल कहते हैं। कार्टेशियन गुणाफल की चर्चा हम इस प्रमेय के बाद करेंगे। अब संयुक्त परीक्षण एस एक कार्टेशियन एस दो में यादृच्छिक चर कुछ इस प्रकार होंगे एक्स जाई एक जाई दो बराबर एक्स जाई एक वाई जाई एक जाई दो बराबर वाई जाई दो। सरल शब्दों में एक्स केवल एस एक के परिणाम पर निर्भर करेगा एस एक का परिणाम जाई एक है एवं वाई केवल एस दो के परिणाम एस दो का परिणाम जाई दो है पर निर्भर। अब परीक्षण एस एक एवं एस दो स्वतंत्र हैं तब यादृच्छिक चर एक्स एवं वाई भी स्वतंत्र है। यदि एस एक एवं एस दो स्वतंत्र हैं तब एक्स वाई भी स्वतंत्र है। इस
प्रमेय की उत्पत्ति करने के पूर्व हम कार्टेशियन गुणाफल को समझेंगे। गुणाफल अथवा कार्टेशियन प्रोडक्ट हम एक उदाहरण द्वारा इसे समझेंगे एवं इसे हम दो सीमित गणनीय समुच्चयों के संदर्भ में समझेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है ए, जिसके अवयव हैं ए एक, ए दो, ए एन, इस प्रकार। एक अन्य समुच्चय है बी, जिसके अवयव हैं बी एक, बी दो, बी एन, इस प्रकार। अब यदि हम ए एवं बी का कार्टेशियन गुणाफल परिभाषित करते हैं तब वह होगा ए बी कुछ इस प्रकार, जहां ए ए का अवयव है एवं बी बी का अवयव है, अर्थात ए एक बी एक, ए एक बी दो, सभी ए और बी के लिए ए एक बी तीन। हम इसे सरलता के लिए इसे बी एम कह सकते हैं कि हमारे पास ए में एन अवयव हैं, बी में एम अवयव हैं, ए एक बी एम, ए दो बी एक, ए दो बी एम, इसी को आगे बढ़ाते हुए ए एन बी एक, ए एन बी दो, अंततः ए एन। हम यह देख सकते हैं कि यदि ए में एम एवं बी में एन अवयव हैं तब उनके कार्टेशियन गुणाफल में एम एन अवयव होंगे। यह सरल है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं एवं ऊपर दिए गए प्रमेय की, अर्थात इस प्रमेय की अथवा इस कथन की उत्पत्ति करते हैं। इस कथन की उत्पत्ति इस प्रकार है, उत्पत्ति हम यह देख सकते हैं कि यदि ए एक्स को हम इस घटना के रूप में परिभाषित करें एवं बी वाई को इस घटना के रूप में परिभाषित करें तब यह एवं यह समुच्चयों के विषय में हमने जितना पढ़ा है उससे यह सिद्ध करना सरल है, अर्थात यदि परीक्षण S1 एवं S2 स्वतंत्र हैं तब AX गुणा AX कार्टेशियन गुणाफल S2 एवं ए वाई कार्टेशियन गुणाफल एस एक भी स्वतंत्र हैं। जो कि इस प्रमेय को सिद्ध करता है। यह चर्चा दो यादृच्छिक चरों की संयुक्त स्वतंत्रता के विषय में थी। आगे हम दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में गौसियन यादृच्छिक चरों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।